तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे मालूम कर सकते हैं इन दो तरीका से। तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने फ़ोन की जीमेल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगा, ऐप होगा, उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपको एक यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस लोगो पर आपको क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो आपको यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीका का ऑप्शन खुल के आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा कुछ बहुत सारे, यहाँ पर होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा एस प्राइवेसी। तो आपको यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है। एक और ऑप्शन आपको मिलेगा सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहीं पर क्लिक करना है सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे आने के बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पासपोर्ट मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर पासपोर्ट मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा। ऑप्शन खुलने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि फेसबुक, यहाँ पर देखिए फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है और चार अकाउंट यहाँ पर मेरा फेसबुक में बनाया हूँ इस नंबर से, इस जीमेल आईडी का उपयोग करके, इस जीमेल आईडी का उसमें उपयोग किया हूँ, तो ही जाके ये चार फेसबुक अकाउंट मैंने इस फ़ोन में इस जीमेल आईडी के थ्रू बनाया हूँ। तो यहाँ पर उन सारे फेसबुक अकाउंट का यहाँ पर मेरा पासपोर्ट सेव है, मैं उन्हें देख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे अपनी पैटर्न दर्ज करना होगा, पैटर्न डालना होगा, उसके बाद ओके करना पड़ेगा। कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो इस वाले फेसबुक आईडी का यहाँ पर पासपोर्ट दिख जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो, और एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर दूसरे नंबर पर फेसबुक का। यहाँ पर देखिए फेसबुक आईडी मतलब आईडी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर उसका पासवर्ड है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो भी दिख जाएगा। तो अपने देख लीजिएगा, जो भी फेसबुक आईडी होगा यहाँ पर आपको पासवर्ड सेव होगा। यदि इन तरीक़े से नहीं मिलता है तो सबसे पहले करना क्या है, ये पहला तरीका था। इन तरीक़े से मालूम पड़ जाता है आपका फेसबुक आईडी और वहाँ पर पासवर्ड दिख जाएगा। यदि मिल जाता है तो सही है, नहीं मिलता है तो एक और उपाय है जिस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड आप मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक खोल लेना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पर अपने डीपी पर आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर कोने में। चलिए मैं डीपी पर क्लिक कर दे रहा हूँ। डीपी पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा सेटिंग का, तो सेटिंग वाले पर क्लिक करना है। तो सेटिंग पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। सिक्योरिटी का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा होगा, वहीं पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, चेंज पासपोर्ट का ऑप्शन आएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। चेंज पासपोर्ट का क्लिक ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको पासपोर्ट चेंज कर देना है। बिना पासपोर्ट को चेंज करके मैं बताऊँगा। इन तरीके से अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड मालूम कर सकते हैं। डायरेक्ट फेसबुक अकाउंट का आप पासवर्ड ही चेंज कर देंगे बिना पासवर्ड दिए हुए, ठीक है। तो आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। चलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ चेंज पासवर्ड पर। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा करेक्ट पासवर्ड, यहाँ पर करंट पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पर एक पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा और यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। बट मुझे यहाँ पर पासवर्ड इस आईडी का मालूम करना है, मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है फॉरगेट पासवर्ड पर, ठीक है। तो चलिए मैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, आपको मैं ध्यान से दिखाने का करूँगा। पहला एक व्हाट्सअप पर यहाँ पर मैसेज आएगा, जो 89 नंबर है उस नंबर से जो भी व्हाट्सअप चलाता होगा मैं, तो उस पर पासवर्ड आएगा। या तो इस जीमेल आईडी पर मुझे एक मैसेज आएगा या तो इस नंबर पे मैसेज आएगा। तो ये नंबर जो है ना 89 और 89 से व्हाट्सअप, तो ये दोनों नंबर मेरे पास अभी है। तो इस पर मैं मैसेज मंगा कर यहाँ से उसका पासवर्ड ही चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड चेंज कर दूंगा, जो पासवर्ड नया वाला लगाऊंगा तो मुझे याद कर लेना होगा। फिर अब मेरा पासवर्ड यहाँ पर जो पुराना वाला पासवर्ड था जो मुझे नहीं मालूम था वो तो चेंज हो जाएगा, बट जो अभी मैं पासवर्ड लगाऊंगा उसे याद कर लूंगा तो मेरा इस अकाउंट का पासवर्ड मुझे मालूम हो जाएगा। तो आपको देख लेना है कौन सा नंबर आपके पास है। तो देख लीजिए 89 यहाँ पर लास्ट में है, तो 89 से अभी जो यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है उसी नंबर से इंटरनेट चल रहा है, यानी मेरे 89 नंबर जो है इस मोबाइल में लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर
मैसेज वाले पर मैं क्लिक कर ले रहा हूँ, मैसेज मंगा ले रहा हूँ, मैसेज पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा मैसेज आ चुका है। मैसेज इंटर करने के बाद कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी जो नया पासपोर्ट मुझे लगाना है, यहाँ पर नया पासपोर्ट मैं अभी लगा ले रहा हूँ। ठीक है, मैं लगा लेने के बाद आपसे मिलता हूँ। नया पासपोर्ट यहाँ से मैं लगा ले रहा हूँ, जो मुझे अभी नया पासपोर्ट मैं लगा रहा हूँ उसे याद रखना है। उसके बाद मैं याद कर लिया हूँ और यहाँ से मैं उसे नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरा पासपोर्ट मैं अभी इंटर किया हूँ, मैं लगाया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर रिव्यू ऑनर डिवाइस एंड सेंड, मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मेरा यहाँ पर जो भी पासपोर्ट था मुझे मालूम हो गया, जो नया वाला मैंने पासपोर्ट सेव किया है वो पासपोर्ट सेव हो चुका है। और देखिए मेरे पास एक मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पर देखिए मेरा जो मैसेज आया था इस तरीके से मैसेज आ चुका है। मैं पासवर्ड भी चेंज कर चुका हूँ। तो दोस्तों जो अभी पासवर्ड लगाया हूँ वही मेरा करेंट पासवर्ड है। जो पहले वाला पासवर्ड नहीं मालूम था उसे भूल जाइए। इस तरीके से पासवर्ड मालूम कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर मैसेज मंगाकर नया पासवर्ड इंटर कर लीजिए और जो नया वाला पासवर्ड आप डालते हैं उसे याद करके रखिए, वही आपका फेसबुक आईडी का पासवर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। और पासवर्ड मालूम करने का यही दो तरीका था, जो बहुत ही बेहद अच्छा तरीका था, बहुत ही आसान तरीका था, मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।